तो और भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। एंड दोबारा से आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ वापस। एंड जैसा कि तुम लोग को तो पता ही है कि MIUI 14 आ चुका है Redmi Note 10 के अंदर, और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि उसका अपडेट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब अभी तक पूरी तरीके से तो नहीं आया, सबके पास भी नहीं आया, मेरे पास भी नहीं आया अभी तक तो। लेकिन हाँ, धीरे धीरे लगभग सबके पास पहुँच जाएगा और रोल आउट होना शुरू हो चुका है MIUI 14, और हम तक पहुंच जाएगा जल्दी से। लेकिन यहाँ पे मैं बस इस वीडियो में ये बताने आया हूँ कि इसको अपडेट करना ही नहीं करना है, क्योंकि रिसर्च मैंने स्टार्ट कर दिए और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन उसको उस वीडियो को आने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत नहीं मतलब हाँ थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। और मुझे पता है पिछली बार MIUI 13 के टाइम पर भी यही हुआ था, मैं रिसर्च वगैरह कर रहा था और बहुत सारे लोग ने अपडेट कर लिया था। तो इसलिए मैं बस बताने आया हूँ ये कि अभी उसको अपडेट मत करना, मैं एक बार देख लेता हूँ पूरा सही तरीके से। और अपडेट हम लोग अपडेट करेंगे ना, मतलब मैं अपना फ़ोन अपडेट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मेरे दोस्त वगैरह अपडेट कर लेंगे तो हम उससे चेक करने वाले हैं और टेस्ट करने वाले कि हो, और पूरा प्रूफ दूंगा, टेंशन मत लो तुम। बाकी ये लोग जो भी बोल रहे ना सीधा कि ये कर लो अपडेट कर लो बहुत बढ़िया ये वो, मैंने बहुत देखा है आजकल कि भाई अपडेट कर लो बहुत बढ़िया, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हो गया ये वो, फिर लास्ट में बोलेंगे सब्सक्राइब कर देना। अरे सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए करते, वो तुम्हारा कुछ नहीं देखते, तुम लोग उनको व्यूज़ देते रहते हो बस। तो वो सब छोड़ो, मेरी बात सुनो बस कि देखो मैं पूरा प्रूफ लेके आऊँगा, लेकिन अभी अपडेट मत करना जब तक मैं नहीं बोलता। एक बार मैं वीडियो बना दूंगा स्पेशली उसकी बारे में। बाकी ये सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ कि अभी अपडेट मत करना। इस वाले वीडियो का मेन पर्पस यही था बनाने का कि अपडेट अभी मत करना, अभी बिल्कुल अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से सुन लो। और अगर ऑटो अपडेट वाला आपका ऑप्शन हो तो उसको भी बंद कर देना, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारा तो अपने आप अपडेट हो गया, हम क्या करें अब ये वो डाउनग्रेड वगैरह, तो वो दिक्कत हो जाएगी फिर, इसलिए ठीक है। तो अपडेट अभी बिल्कुल मत करना MIUI 14 अगर तुम्हारे पास आ भी जाए तो। और हम अपडेट कर रहे हैं ना, हम टेंशन क्यों लेते हो, हम लोग अपडेट करके दिखाएंगे तुमको कैसा चल रहा है क्या चल रहा है। MIUI जो 12.5 था ना उससे तो और भी बेकार था 13 वाला, तो 14 कैसा होगा हमको नहीं पता है। लेकिन हाँ देखो, अगर ऊपर ऊपर बताओ तो वैसे कुछ खास चेंजेस नहीं किए, सेटिंग्स वगैरह में कुछ नाम चेंज कर दिया हो इधर का उधर, बाकी ऑप्शंस वही है। और कुछ ऐसा मेजर चेंज कुछ आया नहीं है लगभग, परफॉर्मेंस में आया हो तो मैं चेक करके बता दूंगा तुम लोग को। और गाइस हम पूरा टेस्ट करने वाले हैं ध्यान से, और देख लेंगे हम कि हैंडकैम वगैरह हो पाया तो दिखा दूंगा मैं तुमको, और हम पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एक दो दिन तक उसमें MIUI 14 वाले अपडेट में खेल के भी देखेंगे और सब कुछ ट्राई करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा मतलब वेट करना उसके लिए, और तब तक अपडेट मत करना। और जिसने भी अपडेट कर लिया तो फिर वो तुम जानो डाउनग्रेड वगैरह कैसे होता है, नहीं वो तुम्हारे झंझट है, फिर हम कुछ नहीं जानते। क्योंकि हर बार यही होता है, नया अपडेट आया, नया MIUI वर्जन आता है, डायरेक्ट सब लोग अपडेट करके बैठ जाते हैं, और अभी तक लगभग आया नहीं है। तो मेरे पास इतनी ऑडियंस है तो मैं समझा सकता हूँ, इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि हाँ अभी अपडेट मत करना। बस कितनी बार बहुत बार बोल दिया होगा मैंने ये, लेकिन हाँ हम वीडियो लेके आ रहे हैं तो वेट करना उसका बस। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।